दोस्तों, आपने कभी सोचा है जिस ऑनलाइन वेबसाइट से आप शॉपिंग करते हैं आप वहां से भी पैसे अर्न कर सकते हैं। मेरा नाम यासीन हसन और आप देख रहे हैं दोस्तों टेक्निकल गुरु। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप उसी वेबसाइट से, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से भी अपने घर बैठे पैसे अर्न कर सकते हैं। आप खुद भी चाहें तो उस पर कुछ ना कुछ परचेस करते ही होंगे। आप जाहिर सी बात है आपको उस केस में आपको नॉलेज नहीं होगी और आपको पैसे नहीं मिलते होंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद स्टार्टिंग से एंड तक आपको ये पता चल सकेगा आज कि आप घर बैठे अपने ही प्रोडक्ट को परचेस करके भी पैसे अर्न कर सकते हैं, या आप अपने कोई भी प्रोडक्ट को चाहे तो अपने दोस्त को रेफ़र करके या उस प्रोडक्ट को आप देकर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से भी पैसे अर्न कर सकते हैं। आप एक उसके एफिलिएट मेंबर बन सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना गवा के चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले google.com पर चलना है। google.com खोल ओपन कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पर डालना है flipkart affiliate, इसको एंटर मार देना है आपको। और उसके बाद आपका जो ये फर्स्ट पेज ओपन होकर आया है, फर्स्ट फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों ये इस तरीके से पेज ओपन होकर आएगा आपके सामने। तो इसको आपको फर्स्ट टाइम के लिए जो करना है, इसका मेंबरशिप लेना है आपको। और यहाँ पे ऑलरेडी आपका दिखा रहा है मैक मनी बाय बिकमिंग ए फ्लिपकार्ट एफिलिएट। तो ये काफ़ी अच्छी सोर्स है अगर आप पैसे यहाँ से अर्न करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पर आपको ज्वाइन नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है अपनी। फिर ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी पर आपकी ओटीपी आएगी, वो कंफर्म करना है। फिर आपको यहाँ बाय सेलेक्ट कंट्री अपनी डालनी है, जो ये फर्स्ट है। उसके बाद अपनी एक वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। फिर उसके बाद ओटीपी डालनी है, वेरीफाई करनी है। फिर आपको एक चूज पासवर्ड करना है। जब आप ये प्रोसेस पूरा कर लेंगे तो आपको आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। और जब आप इसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं और इसे वेरीफाई कर लेते हैं, तो दोस्तों आपका वेरीफाई होने के बाद आपका अकाउंट वहाँ फिर आप अप्रूव हो जाते हैं लॉगिन करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, और ऑलरेडी मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसा शो होता है। मैंने ऑलरेडी ये देखी है। जैसे कि दोस्तों, यहाँ मैंने ऑलरेडी अपनी एफिलिएट फ्लिपकार्ट अकाउंट लॉगिन कर रखी है। देखो दोस्तों, ये दिख रहा है मेरा अकाउंट लॉगिन है ऑलरेडी। तो मैंने भी इसी तरीके से साइन अप किया था। साइन अप करने के बाद मेरा अकाउंट अप्रूव हो गया था। उसके बाद होता है क्या दोस्तों, आपका जब एक बार ये अप्रूव हो जाएगा और आपका इस तरीके से डैशबोर्ड नजर आएगा, आपका अर्निंग ऑर्डर्स यहाँ पर कितना है, अर्निंग सेल्फ इंस्टॉलेशन आप कितना रेफर कर रहे हैं, कितने लोग आपकी रेफर लिंक पर आपको इंस्टॉलेशन पर आपको चार्ज हो रहा है, ट्रैफिक कैसा आ रहा है आपके यहाँ पर, और पेंडिंग पेमेंट्स कितना है। और आपका जब ये फाइनली पूरा अप्रूव हो जाता है, पेमेंट वो एक्सेप्ट कर लेता तो यहाँ पर आपका अप्रूव पेमेंट इस तरीके से जैसे मेरा दिख रहा है 97 शो होने लगता है। तो एक तरीके से दोस्तों, ये आपका जो इस तरीके का ये जो लिंक मिलता है, ये आपका खुद का लिंक होता है जब आप डैशबोर्ड पर लॉगिन करेंगे, और इसी लिंक को आपको रेफर करना होता है। जब आप इसमें रेफर करेंगे कि न्यू कस्टमर के लिए या ओल्ड, मतलब किसी पुराने कस्टमर के लिए भी, तो आपको उसका पेरोल कमीशन भी मिलता है। तो इजीली इस लिंक को आपको इजीली कॉपी करके या व्हाट्सएप पे इस लिंक को कॉपी करके पूरा सेंड कर सकते हैं, या ईमेल आईडी या जहाँ से भी आप चाहें तो इसे पेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी दिखा दूं कि आपको अलग अलग प्रोडक्ट पे कैसे पेरोल कमीशन मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जाएंगे दोस्तों कमीशन पे, ठीक है। कमीशन पे जाने के बाद आप जब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों नीचे की ओर, यहाँ पर आपको अलग अलग काफ़ी सारे रेफरल पे आउट फॉर ऑर्डर्स इन April 2018 का ये अपडेटेड आपको नज़र आ रहा है। और जैसे कि आप यहाँ पे बुक एंड लर्निंग पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू कस्टमर के लिए 10% उस पर कमीशन मिलेगा जो आपको परचेसिंग करने के बाद, और एग्जिस्टिंग कस्टमर पे आपको भी 10% मिलेगा। न्यू कस्टमर ये मोबाइल का है, ये डेस्कटॉप का फर्स्ट जो आपका यहाँ पर ये है।
और ये सेकंड थिंग मोबाइल के लिए रेफर लिंक का कमीशन पे रोल है। इसी तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। आप फ्लिपकार्ट पे जितने भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग आपको कमीशन पे रोल मिलती है। उसके यहाँ पर आपको साफ साफ क्लियर दिखा रखा है कि आपको किस प्रोडक्ट पे कितना कमीशन दिया जाएगा। अगर आप उस प्रोडक्ट के लिए रेफर लिंक को सेंड करते हैं किसी को और उस पर वो जाकर एक बार परचेज कर लेता है, तो आपको उसके रेफर लिंक के पैसे मिलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपको जैसे कि लाइक मैं यहाँ पर जाता हूँ, नॉर्मली एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, flipkart.com। मैं आपको एक ऐसी इजी ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आपको इजीली कुछ नहीं करना। आप ओनली पहले आप flipkart.com पे जाइए। मान लीजिए कि मेरे जान पहचान में मेरे कलीग हो या कोई भी हो, वो ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि इसका मुझे कुछ बेनिफिट्स मिले या उनको ही मिल जाए इसका। तो आप सिंपली जो प्रोडक्ट की ज़रूरत है आप यहाँ पे सर्च कीजिए। जैसे कि मैं सैमसंग, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं सैमसंग S8 इन मोबाइल्स पे जाता हूँ मैं, ठीक है। और जैसे कि उनको ये वाला प्रोडक्ट परचेज करना हो, वो चाहते हैं कि उनको ये वाला फ़ोन चाहिए जो 53,990 का है। तो आप इस पर जब ये क्लिक करेंगे, ये आपका जैसे आप नॉर्मली आप यूज़ करते हैं ना फ्लिपकार्ट, उस तरीके से आपको प्रोसेस करना है यहाँ पर। उसके बाद आपको करना है क्या, जैसे ये पेज ओपन हो जाता है ना दोस्तों, तो आपको ये जो लिंक नज़र आ रहा है ना दोस्तों, इसको आपको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल कर लेना है, फिर इसे कॉपी कर लेना है। फिर इस लिंक को हम जनरेट करेंगे अपने एफिलिएट के तरीके से, हम अपना बनाएंगे एक लिंक। वो कैसे, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ कमीशन पे चलते हैं। और आपके बाद आपको यहाँ पे जाना है ओवरव्यू पर। ओवरव्यू पे जाएंगे आप, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर एफिलिएट लिंक जनरेटर, तो आपको वो जो URL है जहाँ हमने जिस प्रोडक्ट के लिए सिलेक्ट किया था, उसको उस URL को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब जब हम उस URL को यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पर जो ये पेरोल कमीशन का मेरा डैशबोर्ड है, ये मेरा खुद का एक रेफर लिंक मुझको जनरेट करके देगा उस प्रोडक्ट का। तो इस पर मुझे गो पे क्लिक कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये जो URL बनकर अब आया है, ये मेरा URL है, मेरे मतलब डैशबोर्ड से, मेरे कमीशन एफिलिएट प्रोग्राम से मुझे फ्लिपकार्ट वालों ने दिया है कि आप इस वाले URL को किसी को भी फॉरवर्ड कीजिए और इसका जो कमीशन इससे आपको मिलेगा, इसको आपको जनरेट करना होता है। या आप चाहे तो इसको एक शॉर्ट लिंक भी जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कितना छोटा बन गया है आपका URL, बिल्कुल छोटा सा छोटा। अगर आप इस URL को किसी को भी, मान के चलिए लाइक मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कहीं और पेस्ट करके देखता हूँ, ओपन करके, ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखिए, ये URL हम पेस्ट करेंगे और इसे क्लिक और एंटर मारते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आपका जो एक लिंक जो जनरेट हुआ था वहाँ से, ये देखिए आपका ये सेम प्रोडक्ट ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी एक प्रोडक्ट की URL यहाँ पेस्ट करके, गो टू करके, आप शॉर्ट लिंक बनाकर अपने जनरेट कर सकते हैं एफिलिएट कमीशन को। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जनरेट करना होता है, और इसी जनरेट करने के बाद इसी वाले लिंक को आपको किसी को भी रेफर करना होता है, या आप चाहे तो किसी अपने बैनर या आपकी वेबसाइट से आप वहाँ लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको एफिलिएट टूल्स के अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, या आप उस कंटेंट भी मिल जाता है आपको, आपको जिस तरीके का भी 3x250 का ये चाहिए आपको डायमेंशंस, आप यहाँ पर एक अपना वो बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, प्रमोशन के लिए भी है, आप जिस तरीके से भी बैनर बनाना चाहें यहाँ पर बैनर बना सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट लिंक एंड बैनर भी है, जैसे कि आप यहाँ प्रोडक्ट लिंक बैनर में भी जा सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट सर्च करना हो, यहाँ से भी आप डायरेक्टली सैमसंग एसेट करके सर्च कर सकते हैं। कैटेगरी में भी जाकर आप मोबाइल या कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से भी आप लिंक जनरेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों आप वहाँ से और यहाँ से दो ऑप्शंस होते हैं। ओवरव्यू में जाके भी आप डायरेक्टली अपने फ्लिपकार्ट से उस URL को यहाँ पेस्ट करके आप अपना लिंक जनरेट कर सकते हैं, और सेकंड थिंग आप यहाँ पर भी जाकर अपना एफिलिएट टूल्स में भी जाके प्रोडक्ट एंड लिंक एंड बैनर में जाने के बाद आप
यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी 8 का यहाँ ऑप्शन आ रहा है, आप इसका बैनर लेना चाहें बैनर ले सकते हैं या लिंक लेना चाहें। इस तरीके से क्लिक करने के बाद बटन 1, बटन 2, बटन 3 का ऑप्शन आ रहा है, या सैमसंग का आपको लेना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये इस तरीके से आपको ओके करेंगे तो आपको ये एक तरीके से बैनर लिंक मिल जाता है। और इसके बाद आपको ईजिली इसका कॉपी पेस्ट करके जब आप करेंगे तो आपको उस तरीके से ही शो होगा जैसे कि आप वहाँ पर देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये आज हमारा एफिलिएट का था, और यहाँ पर मैंने आपको दो तरीके से बता चुका हूँ कि यहाँ पर आप ऑलरेडी दो तरीकों से कैसे आप अपने URL या आप डायरेक्टली अपने फ्लिपकार्ट से वहाँ से किसी प्रोडक्ट को ओपन करके कैसे आप यहाँ पर जनरेट करके लिंक को पैसे कमा सकते हो बताते हैं। और आप यहां चाहें तो रिपोर्ट्स में भी जाकर ऑर्डर रिपोर्ट्स एंड ऐप इंस्टॉलेशन या ट्रैफिक्स की अपनी स्टेटस को भी देख सकते हैं कि यहां पर आपका रिपोर्ट क्या बन रहा है और आपको अर्निंग ऐप इंस्टॉलेशन कितनी आ रही है, आपने कितने लोगों को ऐसे रेफर लिंक किया है, या ट्रैफिक आपके वेबसाइट या लिंक इस चीज़ पे कितनी आ रही है, अच्छी आ रही है, आप सारा कुछ यहाँ पर अपना डैशबोर्ड पर जाकर अपने चेकआउट। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को बहुत से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए। मैं आपके लिए काफ़ी सारी टेक्निकल वीडियो लेकर आऊँगा। और दोस्तों हाँ, मैं आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट की नीचे URL लिंक दे दूंगा जिस पर आप डायरेक्टली क्लिक करके वहाँ पे एफिलिएट मेंबर बन सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही।